नमस्कार दोस्तों, हार्दिक पांड्या की अगुवाई में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड पर तीसरे और निर्णायक टी20 मुकाबले में 168 रनों से बड़ी जीत दर्ज कर 2-1 से सीरीज अपने नाम किया। इस जीत के साथ भारत ने द्विपक्षीय सीरीज में अपना दबदबा बरकरार रखा हुआ है। दोस्तों, खबर में और आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो इस वीडियो को एक दिल से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में दोस्तों बेल नोटिफिकेशन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, रनों के मुकाबले में किसी भी पूर्ण सदस्य टीम के खिलाफ यह सबसे बड़ी जीत है। इससे पहले यह रिकॉर्ड संयुक्त रूप से भारत और पाकिस्तान के नाम था। भारत ने 2018 में आयरलैंड को 143 रनों से धोया था। उसी साल पाकिस्तान ने भी वेस्ट इंडीज पर इतने ही रनों से शानदार जीत दर्ज की थी। दोस्तों, न्यूजीलैंड पर टी20 क्रिकेट के इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज करने से पहले भारत ने वनडे क्रिकेट में भी एक बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया था। ठीक 17 दिन पहले 15 जनवरी 2023 को श्रीलंका के खिलाफ भारत ने वनडे क्रिकेट में भी सबसे बड़ी जीत दर्ज की थी। उस दौरान टीम इंडिया ने मेहमानों को 317 रनों के विशाल अंतर से धूल चटाई थी। लिमिटेड ओवर क्रिकेट में भारत का यह दबदबा कमाल का है। यही वजह है कि दोस्तों आईसीसी टी20 और वनडे रैंकिंग में भारत पहले पायदान पर काबिज है। बात इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए तीसरे टी20 मुकाबले की करें तो कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। ईशान किशन और शुभमन गिल से एक अच्छी शुरुआत की उम्मीद थी, लेकिन ईशान किशन एक बार फिर फेल हो गए। वह 3 गेंदों पर 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। किशन को माइकल ब्रेसवेल ने LPW आउट कर पवेलियन भेजा। दोस्तों, ईशान किशन के आउट हो जाने के बाद क्रीज पर राहुल त्रिपाठी आए। एक विकेट गिर जाने के बाद राहुल त्रिपाठी और शुभमन गिल ने पारी को संभाला। दोनों ने दूसरे विकेट के लिए 42 गेंदों पर 80 रनों की साझेदारी की। त्रिपाठी ने तेजी से रन बनाए। उन्होंने 22 गेंदों पर ताबड़तोड़ 44 रन ठोक दिए। वह टी20 में अपने पहले अर्धशतक के करीब थे, लेकिन इस कसौटी की गेंद पर छक्का मारने के प्रयास में राहुल त्रिपाठी कैच आउट हो गए। त्रिपाठी ने अपनी पारी में 4 चौके और 3 शानदार छक्के लगाए। राहुल त्रिपाठी के आउट हो जाने के बाद क्रीज पर सूर्य कुमार यादव आए। गिल ने सूर्य कुमार यादव के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए 38 रनों की साझेदारी की। सूर्य कुमार 13 गेंदों पर 24 रन बनाकर आउट हो गए। उनके बाद क्रीज पर आए कप्तान हार्दिक पांड्या ने गिल का बखूबी साथ दिया। पांड्या ने 17 गेंदों पर 30 रन बनाया। उन्होंने गिल के साथ 40 गेंदों पर 103 रनों की साझेदारी की। अंत में दोस्तों, भारत ने शुभमन गिल के शानदार तूफानी 63 गेंदों पर नाबाद 126 रनों की पारी की बदौलत न्यूजीलैंड के सामने जीत के लिए 235 रनों का एक विशाल सा लक्ष्य रखा। दोस्तों, न्यूजीलैंड की गेंदबाजों की बात की जाए तो न्यूजीलैंड के लिए माइकल ब्रेसवेल, ब्लेयर टिकनर, ईश सोडी और डेरिल मिचेल ने एक एक विकेट लिया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की शुरुआत काफी खराब रही। पहले ओवर में फिन एलन का विकेट गिरा। उसके बाद दूसरे ओवर में अर्शदीप सिंह ने चैपमैन और डेविन कॉनवे को आउट किया। शुरुआती झटकों से जब तक न्यूजीलैंड की टीम उबरती, पहले पावर प्ले में उसने 53 के स्कोर पर अपने 6 बल्लेबाज खो दिए थे। इसके बाद दोस्तों, डेरिल मिचेल और कप्तान सेंटनर ने कुछ अच्छे शॉट लगाए, लेकिन मावी ने 9वें ओवर में सेंटनर और ईश सोडी को आउट कर न्यूजीलैंड की उम्मीदों को पूरी तरह से तोड़ दिया। पूरी न्यूजीलैंड की टीम 12.1 ओवर में 66 रनों के स्कोर पे ऑल आउट हो गई। डेरिल मिचेल ने सर्वाधिक अपनी टीम के लिए 35 रन और कप्तान सेंटनर ने 13 रन बनाया। दोस्तों, भारत की तरफ से कप्तान हार्दिक पांड्या ने 16 रन देकर अपनी टीम के लिए 4 विकेट लिया। वहीं अर्शदीप सिंह, उमरान मलिक और शिवम मावी को 2-2 विकेट मिला। टी20 क्रिकेट के इतिहास में यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी जीत है। दोस्तों, सीरीज को 2-1 से अपने नाम करने के बाद टीम इंडिया के कप्तान हार्दिक पांड्या ने ट्रॉफी टीम के युवा और नए खिलाड़ी पृथ्वी शॉ को सौंपी। हालांकि पृथ्वी शॉ को इस सीरीज में एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला। घरेलू क्रिकेट में लगातार परफॉर्म करने के बाद पृथ्वी शॉ को लंबे समय के बाद भारतीय टीम में जगह मिली थी। इस सलामी बल्लेबाज ने भारत के लिए आखिरी टी20 मैच जुलाई 2021 में श्रीलंका के खिलाफ खेला था। उम्मीद जताई जा रही थी कि पृथ्वी शॉ जैसे विस्फोटक बल्लेबाज को इस सीरीज में कम से कम एक मैच तो खेलने के लिए मौका मिलेगा, मगर दोस्तों, हार्दिक पांड्या ने ईशान किशन और शुभमन गिल की सलामी जोड़ी पर ही भरोसा जताया और तीनों मैचों में इस जोड़ी के साथ उतरे। गिल ने तो आखिरी मैच में शतक जड़ कप्तान का भरोसा जीता, मगर ईशान किशन तो तीनों मैच में फ्लॉप रहे। पृथ्वी शॉ को अभी भी प्लेइंग 11 में जगह बनाने के लिए इंतजार करना होगा। दोस्तों, न्यूजीलैंड को लिमिटेड ओवर की सीरीज में धूल चटाने के बाद भारत को अब 9 फरवरी से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 मैचों की टेस्ट सीरीज और 3 मैचों की वनडे सीरीज खेलनी है। दोस्तों, भारतीय टीम की इस शानदार जीत से अगर आप भी खुश हैं तो इस वीडियो को एक दिल से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।